मैं हूँ विभा। वेलकम टू माय चैनल विभा स्पाइसेस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मखाने की खीर की रेसिपी। मखाने जो होते हैं वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मखाने की खीर को बनाना बहुत आसान होता है। आप कभी भी इनको चाहे व्रत में बनाएं या कभी कुछ आपका मीठा खाने का मन करे तो आप फटाफट इनको बना के खा सकते हैं। तो आइए इनको बनाना शुरू करते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन और उसमें मैं सबसे पहले मखानों को रोस्ट करूँगी। तो मखानों को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून घी। घी डालने से जो है वो मखानों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और मखाने की खीर जो है वो और भी टेस्टी बनेगी। घी जब मेल्ट हो जाए तब उसके बाद इसमें मखानों को डालना है। घी जो है वो मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के मखाना। तो मखाने की क्वांटिटी को आप लोग जितना आपको खीर बनाना है उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मखानों को हमें अच्छे से घी में रोस्ट करना है। इस तरह से मखानों को भूने से मखाने जो है वो बहुत क्रंची हो जाते हैं और इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खीर में। तो इसको अच्छे से आप लोग भून लीजिएगा। मखाने जो है वो रोस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 लीटर मिल्क। तो मैं यहाँ पे दूध के साथ ही मखानों को पकाऊंगी, मैं अलग से दूध को नहीं पकाऊंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो मखाने हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे दूध के साथ और जो आपकी खीर बनेगी वो भी बहुत थिक बनेगी, गाढ़ी बनेगी और मखाने का टेक्सचर जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही हमें मखानों को दूध के साथ पका लेना है। अब आप देख सकते हैं कि दूध में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब ऐसे ही हमें इनको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इनको पका लेना है। मखाने की खीर को पकाने में बहुत समय नहीं लगता, तो इसलिए कभी भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसको फटाफट बना के खा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया है जिससे कि मखाना जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गया है और दूध में कितना अच्छा बॉयल आ रहा है और दूध की क्वांटिटी जो है वो भी कम हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 केसर के धागे। केसर के धागे डालने से खीर में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और खीर का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई इलायची। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब केसर और इलायची को डालने के बाद हमको इसको अच्छे से पकाना है जिससे कि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से खीर में आ जाए। खीर को पकते पकते 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 कप चीनी का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा लीजिएगा। अब चीनी को भी हमें खीर के साथ अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं कि खीर जो है वो पक पक के गाढ़ी हो रही है। अब मैं मखानों को साइड में प्रेस करके देखूंगी कि मखाने जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मखाने जो है वो अच्छे से प्रेस हो रहे हैं, मतलब सॉफ्ट हो गए हैं, वो टूट भी जा रहे हैं। अब ऐसे ही आप लोग भी मखानों को साइड में दबा दबा के उनको तोड़ लें जिससे कि खीर जो है वो भी गाढ़ी हो जाएगी। खीर जो है वो पककर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया है, इनको मैंने बारीक काट लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको अच्छे से पका लेना है ड्राई फ्रूट्स के साथ। आप देख सकते होंगे कि खीर जो है वो कितनी अच्छी लग रही है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। खीर जो है वो बनकर रेडी है, तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने खीर को निकाल लिया है, बहुत अच्छी खीर बनके रेडी हुई है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसको आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा।
पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।